हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आंसर की जैसे ही ऑफिशियल आएगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो अभी हम इसकी आंसर की करेंगे, ठीक है। मैथ्स का पेपर था आपका 2.5 घंटे का टाइम, मैक्सिमम मार्क्स था आपका 60। सो खंड कर दिया गया है प्रश्न एक, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे 1 से 12 और प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 1 अंक का है। उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान भरेगा, 0 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर आपका -43 आए, तो आंसर सी रहेगा। संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह है, संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 4 और 1 5 और 2 प्लस में। दी गई आकृति में कितने कोण हैं, दी गई आकृति में 5 कोण हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो 7 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्या वाले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, आप इसके अंदर पाई आर स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर, तो आंसर आपका आएगा 154 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, एक्स। उसके बाद किसी भी पूर्णांक ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 भाग में ए है, तो डी आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, फर्स्ट का आंसर आपका सी हो जाएगा, सेकंड का आंसर डी हो जाएगा, थर्ड का आंसर आपका जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा, फोर्थ का आंसर आपका डी हो जाएगा। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर ए हो जाएगा, 6th का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है, तो 45 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा, 45 45 के बराबर क्या हो जाएगा, पूरक कोण के बराबर। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। कौन सा कथन सत्य है, बी जो है ये सत्य है, -7 छोटा है -5 से। एक रेखा में कितने बिंदु अंत बिंदु होते हैं, तो 0 अंत बिंदु होते हैं। वृत्त, क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त के क्षेत्रफल का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होता है, तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर देखें तो इसमें आप ये कर देंगे ना, 2πr² और πr², इस तरह से आप इसका रेशो जब निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ख में 2 से 7 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे, ऐसे ही पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -5 हो, तो -5 कब होगा, अगर हम -3 और -2 को जोड़ दें तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप और कोई भी लिख सकते हो, कोई ये फिक्स नहीं है, अंतर -2 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो पूर्णांक जिनका अंतर -2 हो, तो 1 -7 हमने ले लिया, 1 + 5 ले लिया, तो अंतर कितना आया, -2, तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते थे। दी गई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समांतर हैं, यदि PQR 70 डिग्री है तो इसके अंदर क्या होगा, तो आपको एंगल O बताना है और एंगल M बताना है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे हैं, ये इसके कैसा एंगल हो जाएगा, इसका जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 है, फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके है तो ये भी 70 है, तो ये इसके संगत कोण हैं, तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये भी 70 ये भी 70। उसके बाद इन्हीं को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा, 45 आंसर होगा आपका, क्या होगा बच्चों, 45। डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ लाइन हैव, तो 0। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 1, तो क्या होगा, -1 -1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सेक्शन बी देखिए, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम जो है -5 होना चाहिए, तो +3 और -2, डिफरेंस -2 होना चाहिए, तो -7 + 5। इन ए गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, तो एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन, तो आपको बताना था ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा, देखिए ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो दोनों का आंसर 70 70 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC A पर समकोण है, तो ये जो है क्या है, 90 डिग्री है, और AD भुजा BC पर लंब है, ये BC है, AB 8 है और BC जो है वो 17 है, तो AC आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये जो AC 15 है, तो आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 × 8 × 15, 1/2 × 8 × 15, ABC का इसका निकालना है ना, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD की लंबाई बतानी है आपको, इस AD की लंबाई बतानी है, तो इसकी लंबाई बताने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इसका जो है 1/2 × BC × AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ से 1/2 × 17 × AD हम निकालेंगे, तो ये किसका आ जाएगा, ये हमारा इस किसके इक्वल रख देंगे हम, इसको 60 के इक्वल रख देंगे,
और एडी हमारा क्या आ जाएगा 60 × 2 और 17, तो आंसर हमारा आ जाएगा 70.5। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, एडी की लंबाई आपकी आ जाएगी यहाँ से 70.5। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ही बताइए। तो इसमें आपको सममित रेखाओं की संख्या बतानी है, एक समचतुर्भुज में 2 हो जाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज में 0 रहेगा। पूर्णांक के योजे व्युत्क्रम बताने हैं, तो 23 का -23, 39 का +39। ये क्वेश्चन नंबर 7 में प्रत्येक का कोण बताना है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण और ये हो जाएगा पूर्ण कोण। प्रत्येक आकृति में कोण युग्म का नाम दीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण हैं, और ये दोनों एक दूसरे के रैखिक युग्म या आसन्न कोण हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें ये हमने सॉल्यूशन कर लिया है, तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर, तो रोम्बस में 2 हो जाएगी और पैरेललोग्राम में 0। एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 23 का -23 और 39 का -39 का +39। ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये लीनियर पेयर है, ठीक है, और एडजेसेंट है भी कह सकते हो। उसके बाद है खंड ग में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक इसमें आपको दिया गया है, एक उत्पादक किसी खान कूपक में 12 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यदि नीचे भूमितल से जाना 20 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -340 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, एलिवेटर रिसाइन टू ए माइन शेफ्ट, तो इसमें आपको जो है टाइम निकालना था, तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, स्पीड दी गई है और आपको यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 340, और वो जो है क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर अबोव फ्रॉम द, ये ग्राउंड लेवल है, तो इससे 20 मीटर ऊपर से शुरू करता है और उसको जाना है नीचे -340, तो टोटल कितनी हो जाएगी 340 + 20, 340 तो नीचे गया ग्राउंड लेवल से और 20 ऊपर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 360, तो डिस्टेंस जो होगी यहाँ से वो कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी, दूरी 360 हो गई, टाइम आपको दिया गया है यहाँ पे, आपको चाल यानी स्पीड दी गई है 12, तो टाइम आपका 30 मिनट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से टाइम आ जाएगा 30 मिनट। उसके बाद देखिए, दी गई आकृति में अज्ञात कोण बताने हैं, तो अज्ञात कोण इसके अंदर बहुत ही आसान है बच्चे, इसको देखिए, इसके अंदर हम यहाँ से देखेंगे, ये वाला कोण आपका 55 का है, तो ये वाला जो है 180 का जोड़ा, इसमें 180 टोटल होगा, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 125 का है, तो ये 55 हो जाएगा। अब ये इसके आमने सामने वाले एकांतर कोण जो है बराबर होते हैं, तो ये 55 का हो गया। अब अगर ये 55 है, ठीक है, तो ये वाला इसके साथ ये वाला कितने का हो जाएगा, ये यहाँ से ये भी 55 का, या ये लगा लो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एक दूसरे के आसन कोण है ना यहाँ पे, तो यूपी जो है 55 का हो जाएगा। अगर ये 125 का है, अब ये 55 का है, तो ये 125 का, अगर ये 125 का है, तो इसके आमने सामने वाले ये भी कितने का हो जाएगा, 125 का, और फिर इसके साथ वाला हो जाएगा 55 का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दी गई आकृति में 2 वृत्तों को दर्शाती है जिनका केंद्र जो है वो क्या है, समान है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 है, छोटे की 4 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, जो लार्ज सर्कल है उसका एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, जो ये आ जाएगा, फिर छोटे का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, और फिर दोनों के बीच का भाग का निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो आपका आंसर 264 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो आधार और ऊंचाई निकालनी है। तो इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, वहीं पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स साइड्स, बेस जो है यानी देखिए ऊंचाई कितनी है, मान लिया हमने x है, और उसका जो आधार है फिर बेस वो 2 गुना है, तो बेस हमने मान लिया इसका 2x है, हमें इसका एरिया दे रखा है 578, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, तो ये हमने 2x × x 578, 2x का स्क्वायर कितना आ गया 578, x का स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देंगे, वो अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, 289 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 17, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, ऊंचाई 17, और आधार जो हमारा बेस है वो कितना आ जाएगा 17 × 2 = 34, क्योंकि वो डबल था ना, तो इसका आंसर 34 आ जाएगा। खंड घ दिया गया है, 11 से 13 जो है वो दीर्घ उत्तर प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बिलों की बिक्री दी गई है, तो इसमें देखिए ये जो है हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 12, ये 16 हैं, ये 8 हैं, ये 10 हैं, ये 14 हैं, 8 हैं और 18 हैं। तो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो आप देख सकते हो शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए हैं, 14 बल्ब बेचे गए। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या जो है वो न्यूनतम थी, तो सबसे कम देख लेंगे बुधवार और शनिवार को, ये बुधवार को हैं और ये शनिवार को हैं, तो इन दोनों में 2 दिनों में कम थी।
किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या जो है वो अधिकतम है, तो सबसे अधिकतम कब है ये 18 है, तो रविवार को। एक यदि एक बड़े डिब्बे में 10 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी, तो हमने टोटल बल्ब इकट्ठे कर लिए, टोटल बल्ब कितने हैं 86, एक डिब्बे में कितने आएंगे 10, तो कितने डिब्बे चाहिएंगे 10 से भाग कर दो तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 × 8 = 80, तो 6 बल्ब बचेंगे, तो 6 बल्ब के लिए एक अलग से डिब्बा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 1 यानी 9 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। अथवा में दिया गया है किसी कॉलोनी में सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करना है, तो इसमें देखिए इसमें आपको सबसे पहले स्केल का प्रयोग करके एक दंड आलेख बनाना है, तो बहुत इजीली आप ग्राफ बना सकते हो, जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो यही वाला इसी तरह से आपको ग्राफ बनाना है, तो बना सकते हो बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छे से किया होगा। कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो क्रिकेट जो है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो देखिए देखने वाले भी ज़्यादा हैं और भाग लेने वाले भी ज़्यादा हैं, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना, तो देखने वालों की संख्या ज़्यादा है इसलिए देखना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उन खेलों के नाम बताइए जहाँ प्रतिभागियों की संख्या दर्शकों की संख्या से अधिक है, तो प्रतिभागी जो है वो ज़्यादा हैं देखने वालों की बजाय, तो वो क्या है हमारा खेल कूद रहेगा। उसके बाद सेक्शन डी दिया गया है, तो ये इंग्लिश मीडियम में है, तो हमने इनके आंसर ऊपर कर ही लिए हैं बेटा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैथ्स में होता नहीं है, तो आप ऊपर से आंसर आप समझ ही गए होंगे, है ना, तो ये जो है आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक का मान होगा, संपूरक मतलब 180 डिग्री, तो 100 और ये हो जाएगा 80 डिग्री, 55 है तो 125 डिग्री, 90 है तो 90 डिग्री, 125 है तो 55 डिग्री। समकोण का 2/5 यानी 90 का 2/5 निकालेंगे 36, और 36 का जो है 180 में से 36 माइनस करोगे तो 144 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अथवा में दिया गया है यदि L जो है M के पैरेलल है तो आपको इन ये पेयर लिखने हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभूमिक कोण, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से देखिए तो इसके अंदर संगत कोण, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण देखेंगे, तो 2 और 8 जो है ये क्या हो जाएंगे 4 और 8, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 2 और 6 हो जाएंगे, 3 और 7 हो जाएंगे, और 1 और 5 हो जाएंगे, 4 और 8 हो जाएंगे, ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जो है हमने देखे थे यहाँ पे एकांतर कोण, तो अल्टरनेट एंगल हमारे कौन से होंगे एकांतर कोण, तो एकांतर हमारे देखिए ये हो जाएंगे 3 और 5 एकांतर हो जाएंगे, 4 और 7 एकांतर हो जाएंगे, 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 और 3 और 5, ठीक है, 3 और 5, 4 और 6। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभूमिक कोण, शीर्षाभूमिक यानी एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 4, 1 और 3, 5 और 7, 6 और 8, ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, निम्नलिखित आकृतियों के लिए घूर्णन का केंद्र और घूर्णन सममिति का क्रम ज्ञात करना है, तो वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, विषम बाहु, वृत्त, ये सब करना है, तो 13th का इसमें हमारा हो जाएगा ये देखिए राइट सेंटर ऑफ रोटेशन, स्क्वेयर में जो है सेंटर ऑफ रोटेशन आपका जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हो जाएगा, ठीक है, यानी एक ही होता है, और जो है इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएंगे। रेगुलर हेक्सागन में इसमें भी डायगोनल इंटरसेक्ट जहाँ पे होगा यानी एक सेंटर वाला होगा, और 6 इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन। रेक्टेंगल में सेम डायगोनल इंटरसेक्ट और 2 इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन। स्केलन ट्राइंगल में कोई फिक्स नहीं होता है सेंटर ऑफ रोटेशन, और जो है इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 हो जाएगा। सर्कल में सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, और इनफाइनाइट जो है क्या होते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन होते हैं, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंडड़ा दे रखा है, 14 से 16 शिमला शहर में इस तरह से आपको दे रखा है कि दोपहर में तापमान 6 डिग्री था, तो अगले कुछ घंटों में तापमान हर घंटे 3 डिग्री गिर गया, दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो दोपहर 12 बजे तापमान क्या था, तो 6 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर 12 बजे क्या तापमान था, 6 डिग्री। दोपहर 3 बजे क्या था, तो 3 डिग्री वो गिर जाएगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री, -3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, हर घंटे 3 गिर रहा है तो 3 3 3, तो -3 आ जाएगा। उसके बाद यदि तापमान 3 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है और फिर 3 बजे के बाद -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो 6 बजे तापमान क्या होगा, तो आप कर लेंगे, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है, 3 × 3 जो है क्या आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, तो 12 था तो 12 में से 9 गए कितना आ जाएगा 3 डिग्री आ जाएगा। यदि 6 बजे तापमान -12 था, ठीक है, तो रात में हर घंटे 2 डिग्री बढ़ा, तो आधी रात को क्या होगा, तो रात में -12 था, हर घंटे यानी 6 घंटे में 12 बढ़ गया, तो तापमान कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा कंप्लीट, ठीक है, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आएगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी बेटा, वैसे मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका, छात्रों के बीच लोकप्रिय फल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, यानी जो सबसे ज़्यादा छात्र उसको पसंद कर रहे हैं, ये होगा सेब होगा।
कौन सा भाग केले को पसंद करता है, तो टोटल छात्र हमारे कितने हैं 30, और केले को पसंद कितने कर रहे हैं 8, ठीक है, तो 8/30 कौन सा भाग, तो 4/15 भाग जो है केले को पसंद कर रहा है। आंकड़ों का मिलान करना है तो इस तरह से आपको ये टेबल बना देनी थी। तो यदि 10 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाएं, पहले छात्र थे 30, अब छात्र हो गए 10 और, तो टोटल कितने हो गए 40, उसमें से आधे अंगूर पसंद करते हैं, तो 10 में से कितने अंगूर और पसंद कर रहे हैं 5, पहले कितने कर रहे थे 4, तो 4 और 5 कितने हो गए 9, तो अब कितने पसंद करेंगे, टोटल 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक समुदाय 14 मीटर वाले, इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में गोलाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो इतना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, परिधि निकालनी है 2πr लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद कितने बेंच चाहिए, तो परिधि कितनी है 28, और 4 मीटर पे लगानी है, तो 4 से भाग कर देंगे तो 22 बेंच चाहिए, और उसके बाद अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता और जोड़ने का निर्णय लेता है तो चलने के क्या होगा, तो अगर 2 मीटर और बढ़ा दें तो त्रिज्या 16 हो जाएगी, तो 16 से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, आपका 804 आंसर आ जाएगा। यह आपका इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, ठीक है। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर, आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, फिर भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपको यहाँ पर क्लास 7th के सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, तो सैम्पल पेपर ज़रूर देखा कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।